सेकंड में मिलता है, इसका जो कंपटीशन है दोनों का एक साथ होगा। अब जो लोग सर्फ एक्सेल यूज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, और जो मैक्स ब्राइट यूज कर रहे हैं हमारा माई लाइफ का जो प्रोडक्ट है वो क्या यूज कर रहा है, इसके ऊपर हम देखेंगे। ठीक है, तो इसको खोलेंगे। सबसे पहले हमने ये दो ग्लास लिए, ठीक है, और ये दो ग्लास के अंदर में हम अभी पानी डालने वाले हैं। ये आधा आधा ग्लास पानी हम डालेंगे। चम्मच लाना सर, और ये पानी हमने डाल दिया। दूसरा, अभी आप देख रहे हैं जो मार्केट का सर्फ एक्सेल मिलता है, ये सर्फ एक्सेल को अगर आप लेते हैं जिससे लोग पावरफुल माना जाता है इसको, और इसकी बहुत ऐड होती है ना, इतने सुंदर कपड़े झटके में साफ करता है ना, डुबोए और निकाले है ना, एकदम क्लीन है। और अगर हम इसको देखेंगे और इसको अगर यहाँ डालते हैं, और अभी हमने ये जो हमारा मैक्स ब्राइट है जो डिटर्जेंट लिक्विड है इसको अगर लेंगे, इसको अपन यहां डालेंगे, और इसको भी अपन मिलाएंगे। देखो, इसको भी अपन मिला रहे हैं। अब ये पूरा पानी के साथ मिल गया, दिख रहा है आपको? yes. ठीक है, और ये अभी भी मिला हुआ नहीं है पानी में, दिख रहा है? इसको अगर देखेंगे तो इसके कुछ अंश जो है ये अभी भी दिख रहे हैं आपको, जाड़े जाड़े। ठीक है, यही हमारे कपड़ों के अंदर में बीच में फंसे रहते हैं और उसी से अपने कपड़े कमजोर होते हैं। आपने देखा होंगे छेद भी गिरते हैं, सही है कि नहीं है? मतलब ऑटोमेटिकली कपड़ों का कलर निकल जाता है, कमजोर होते जाते हैं, फटते हैं, गलते हैं, सही है नहीं है? और अपन बोलते हैं जल्दी से कपड़े खराब होते हैं, तो ये खराब जो होने का सिलसिला है ये आपके सिर्फ डिटर्जेंट के वजह से हो रहा है। तो ये सर्फ एक्सेल जो आज हमारे साथ में है, जो हमारे घर में आ रहा है, यही हमारे नुकसान का कारण है। बीमारी का और जो महंगाई के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, महंगे महंगे कपड़े हमेशा 4-6 महीने में हमको लेना पड़ता है, जो पुराने कपड़े हमारे खराब हो जाते, सही है? तो सही डिटर्जेंट यूज नहीं होने की वजह से। और हमारा जो ये जो मैक्स ब्राइट है इसको देखेंगे तो इसका कुछ भी नहीं है, पानी में पूरा मिल गया है, सही है? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो जिनके घर में डिटर्जेंट यूज होता है उसको स्किन का प्रॉब्लम होता है। इसके पीछे का कारण है आपका सस्ता डिटर्जेंट। आप सस्ते के पीछे जाते, बोलते हैं ना, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, सही है कि नहीं है? और हमारा ये जो मैक्स ब्राइट है अगर आपने ये लिया तो इसका फायदा कैसे जानेंगे कि ये अच्छा है या नहीं है? तो ये मार्केट का जो सुरुची मसाले का है उसका हल्दी है, ये प्योर हल्दी हमारे घर में आती है। ठीक है, आपके भी घर में जो भी हल्दी यूज होती होगी आप एक घर में करके देख सकते हैं डेमो, है ना? इसको हमने लिया और ये कोई बात नहीं, ये अगर हल्दी को मिलाएंगे अपन, और ये हल्दी ऐसा है ना, ये अपना कलर जब भी कोई केमिकल से अटैच होता है तो वो कलर छोड़ती है, ठीक है, उसका दूसरा कलर अटैच हो जाता है। तो देखो कलर, हल्दी ने जो है अपना कलर पूरा बदल दिया, सही है? अगर ये हल्दी का कलर बदला, यानी समझ जाना कि कोई तो केमिकल प्रोसेस इसके अंदर में है, और यही हमारे नुकसान का कारण है। और दूसरा, अगर हम यही हल्दी लेते हैं और इसमें डालेंगे, मैक्स ब्राइट में ये हल्दी मिली और अगर ये हल्दी का कलर सेम दिख रहा है और यहाँ पे ये खून जैसा इतना अगर कलर दिख रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि कौन सी चीज हमारे घर में आ रही है। जाने अनजाने में हम लोग हमारे घर में वो चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका हमको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जो
जो बोलते हैं हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, हम बीमार हो रहे हैं, हमारे बाल झड़ रहे हैं, है ना, हमारी समस्या बढ़ते जा रही है, स्किन का प्रॉब्लम हो रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है ना, जो भी प्रॉब्लम आपके घर में आती है वो स्किन से ऊपर से होती है, स्किन के अंदर से आपके शरीर के अंदर जाती है वो केमिकल्स, और न जाने आपको कौन सी बीमारियां हो रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा ये जो मैक्स ब्राइट है ये हर घर में इस्तेमाल होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए, सही है कि नहीं है।